नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा फिल्म 20 साल बाद की शूटिंग लोकेशन, जिसमें वो गाना है हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, उस गाने की शूटिंग लोकेशन है। और ये जगह मैं आपको कंफर्म करा दूं कि ये जगह है जयपुर में स्थित है। यहाँ पे जो राजा महाराजा जिन लोगों ने शासन किया था, उन लोगों का ये शमशान घाट है। यहाँ पे जो भी राजा शासन करता था और उसकी डेथ हो जाती थी तो उसकी जो छत्रियाँ बनाई जाती थी वो जगह है जयपुर में। ये जगह है, ये राजा महाराजाओं का जिन लोगों ने शासन किया था उनका शमशान घाट है ये। तो वो पहला सीन जो फिल्म का में गाने का आता है वो इस जगह से शूट किया गया है। ये जो आप छतरी देख रहे हो, यहाँ से उस गाने को शूट किया गया था। और वो पहला सीन है जब वो सीन लिया था गाने का, तो वो सीन यहीं से शुरू किया था उन्होंने। तो ये वो जगह है, यहाँ पे 20 साल बाद मिथुन चक्रवर्ती और डिंपल कबाड़िया की फिल्म की शूटिंग हुई थी यहाँ पे। ये देख लेना आप, स्क्रीन शॉट मैच करके देखोगे तो आपको सेम को सेम टू सेम मिल जाएंगी। ये देखिए, ये छतरी है, यहाँ से मिथुन चक्रवर्ती भाग कर जाते हैं डिंपल कबाड़िया की तरफ, तो कैमरा यहाँ से घूम के जाता है। वो सीन यहीं से शूट किया गया था। मैं आपको सही एंगल में ले जा के दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से मिथुन चक्रवर्ती भाग कर जाते हैं डिंपल कबाड़िया की तरफ, तो वो इस छतरी में खड़ी होती हैं और मिथुन चक्रवर्ती उस छतरी से भाग कर आते हैं। तो वो सीन इन दोनों छतरियों से शूट किया गया था। और एक सीन यहाँ का है, ये आप छतरी देख रहे हो यहाँ से, ये देखिए ये वही छतरी है दोनों, ये यहाँ पे वही सीन दिया गया था जब वो भाग कर जाते हैं दोनों। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो यार भाई की वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करा करो, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे, आप लाइक करोगे, आप कमेंट करोगे, तभी हौसला बढ़ता है वीडियो बनाने के लिए। तो आप सपोर्ट ज़रूर करा करो, ठीक है। तो ये वो जगह है दोस्तों, जयपुर में है ये जगह, यहाँ पे उस गाने की शूटिंग हुई थी 20 साल बाद की भाई। और तो ये देखिए, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, चारों ओर हरियाली हरियाली है, पहाड़ों का इलाका है ये। देखिए आप एकदम से देख लीजिए भाई। और ये जो नीचे सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं ना आपको, इनको भी दर्शाया गया है गाने के अंदर, थोड़ा बहुत सीन आया हुआ है इनका, आप देख लेना। और कभी आओ तो आप यहाँ पे आके ज़रूर देखना भाई। और चैनल पे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फिल्मों की लोकेशन की वीडियो देखने को आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप देखना। और वही एक सीन यहाँ से भी लिया गया था गाने का, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये छतरी ऊपर का जो सीन देख रहे हैं छतरी के अंदर का, ये एक सीन यहाँ से लिया गया था। ये देखिए, ये सीन है ना ऊपर का छत का, ये देखिए जब वो दोनों डांस करते हैं तो ये जो छत है ऊपर की, ये आई हुई है उस गाने के अंदर, तो वो सीन यहाँ से लिया गया था। ये देखिए आप, ये वो छतरी है, ऊपर जो छत आप देख रहे हैं ये सिस्टम है यहाँ पे, ये सीन यहाँ से शूट किया गया था भाई। और एक सीन इस छतरी से भी है भाई, ये देखिए कैमरा इस तरह से चल के जाता है, तो वो यही सीन है वो। और एक सीन भाई, मैं स्क्रीन शॉट देख देख के चेक करना पड़ता है भाई कि कहाँ का सीन कहाँ लिया हुआ है, बहुत यानी मुश्किल बड़ा काम होता है ये देख कर लोकेशन ढूंढना। तो लोकेशन देखते हैं कहाँ से लिया गया था सीन। आप छतरियों का नज़ारा ज़रूर देख लें, स्क्रीनशॉट मिलते मैं सीन बता दूंगा आपको कि यहाँ से सीन लिया गया था, लेकिन जब तक आप छतरियाँ ज़रूर देख लें। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ये देखिए भाई वही सीन कहाँ से लिया गया होगा उन्होंने। चलिए आप छतरियों को तो नज़ारा लीजिए, तब तक मैं आपको छतरियाँ दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये छतरियाँ देख लीजिए, वही राजा महाराजाओं ने जब शासन किया था ना, वो बड़े लोग राजा महाराजा ने उस वक्त का छतरियाँ हैं। ये देखिए यहाँ पे छतरी बनाएंगे, जैसे ही राजा की कोई राजा की युद्ध में या और डेथ हो जाती थी, वो मर जाता था, तो उसकी जो वो बड़े लोग थे वो राजा महाराजा, वो उसकी छतरी बना देते थे। तो ये उन राजाओं का शमशान घाट है इस जयपुर के अंदर। ये देखिए आप, यहाँ पे उन्होंने छतरियों का निर्माण किया है। और एक सीन यहाँ से है, जब मिथुन चक्रवर्ती उस दीवार के साथ साथ से वो डांस करते हैं ना, तो वो सीन है इस जगह का है। ये देखिए आप, ये देख लीजिए, यहाँ पे वो डांस करते हैं मिथुन चक्रवर्ती साहब, तो वो सीन है इस जगह से शूट किया गया है। ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट में मैच करोगे तो आप एकदम सेम टू सेम मैच हो जाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है, 100% स्क्रीनशॉट मैच हो जाएगा।
या मैच करके देखोगे ना। और दूसरा सीन जो है वो इसी द्वार से लिया गया था, लेकिन वो कैमरा घुमा के लिया गया था। कैमरा क्या कि वो इस ये छतरी जो देख रहे हो ना आप, इस छतरी की तरफ से कैमरे को घुमा के लिया गया था। यानी वो इस ये दीवार नहीं है, वो उस वाली दीवार है जो ये सीन लिया गया था। और वो यार उनके पास तो बड़े कैमरे होते हैं, वो पता नहीं किस तरह से कैमरा लगा के सीन लेते हैं। और एक एक सेकंड का या 5-5 सेकंड का सीन मिलाकर वो जोड़ कर फिल्म बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। पता नहीं वो कैसे सीन लेते हैं, क्योंकि कैमरा बड़ा होते हैं, उनके पास काम करने वाले बंदे ज़्यादा होते हैं, तो वो इसलिए वो क्या है कि फिल्म को एकदम बारीकी से सीन लेते हैं दोस्तों। ये ऐसे लिया गया था भाई ये सीन, देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा ऊपर और ले जाता हूँ, ये देखिए यहाँ से वो सीन लिया गया था। ये देखिए ये दोनों दीवार और वो पीछे की छतरी है ना, वो एकदम सीन के अंदर आई हुई है, आप देख लेना। तो वो सीन ऐसे लिया गया था, यहाँ पे कैमरा सेट करके उन्होंने वो सीन लिया था। और एक सीन इन छतरियों का भी है शायद, यहाँ का है, कहाँ का है भाई, यहाँ से भी है शायद एक सीन, यही दिख रहा है, यही सीन है शायद वो, ये हाँ ये जो आप भी, मैंने ये वीडियो दिखाई थी ना, यही सीन है वो शायद, यहाँ से भी एक सीन लिया है उन लोगों ने। ये देखिए भाई तो ये छतरियाँ हैं यहाँ पे, रात को तो डर लगता है इधर, क्योंकि वो इसकी जो सारी प्रक्रिया वो लिख रखी है आगे कि फलाने राजा की ये छतरी, फलाने राजा की वो छतरी, तो रात में तो मत आना भाई इधर, घूमने आओ तो सुबह में दिन में आना। और एक सीन इन पिलरों से लिया गया है, ये जो आप दोनों पिलर देख रहे हो ना, यहाँ से मतलब वो डिम्पल कपाड़िया में डांस करती है ना, तो वो सीन इन पिलरों का है आप जो देख रहे हो। और भाई आगे देखते हैं कौन सा सीन है, और एक सीन यहाँ से लिया गया है, ये देखिए ये जो आप दो दरवाजे से देख रहे हो ना, वो सीन इस जगह का है, ये देखिए ये सीन लिया गया है। और अगर दोस्तों आपको भी किसी भी फिल्म की शूटिंग की लोकेशन की जगह मालूम है, कोई भी फिल्म हो, तो आप वो जगह कमेंट में बता दीजिए, हम उस जगह जाकर वीडियो बनाकर आपको दिखा देंगे। कौन सी भी फिल्म की आपको जगह मालूम हो तो वो जगह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे क्या है कि हम उस जगह पे जाके और वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। और जिससे जो भी बंदा बताएगा कमेंट में, उस बंदे का नाम और उस बंदे के नंबर इस वीडियो में दी जाए दिए दे देंगे क्या, ताकि कि भाई इस बंदे ने हमें ये लोकेशन बताई थी और इस लोकेशन पे हम इस बंदे के माध्यम से पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो एक भी एक सीन इन इस छतरी का है दोस्तों, ये देखिए ये जो छतरी देख रहे हैं आप, ये देखिए ये दिखाया गया है वो सीन इस जगह का है, ये देख लीजिए। अब ये छतरी है ना यहाँ पे, ये कोई बड़े राजा की लग रही है, कोई तगड़ा ही शासन किया होगा इस राजा ने। ये देखिए ये दिखाई दे रहा है ना, ये छतरी आ रही है ना, ये यही छतरी है। तो यहाँ से सीन शूट किया गया था भाई, ये कोई तकड़ा राजा लग रहा है, ये बड़ी छतरी है ये। और एक सीन यहाँ से आता है, देखिए दोस्तों ये जो ये छतरी देख रहे हो ना, ये इसी छतरी के आगे से ये कैमरा घुमा के सीन लिया है शायद, तो वो सीन यहाँ से है। ठीक है दोस्तों, और ये इसकी प्रक्रिया लिखी हुई है, देखिए महाराजा सवाई मान सिंह ऐसे कुछ करके लिख रखा है, ये सवाई मान सिंह छतरियाँ है शायद, यही है सवाई मान सिंह छतरियाँ लिख रखी हैं। तो आप जयपुर आओ तो कभी घूम के देख लेना, सवाई मान सिंह जो छतरियाँ हैं राजा महाराजाओं के शासन की, वो छतरियाँ देख लेना, आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। और एक सीन यहाँ का है, ये देखिए ये जो आप जो आड़ा सा दिख रहा है ना, वो दिखाई दिया वो सीन यहाँ का है। ठीक है दोस्तों, तो ये है भाई वो 20 साल बाद वाली फिल्म का गाना, जिसमें भूत को दर्शाया गया है। तो वो भूतों को भी, ये जो फिल्म बनी है ये भी शमशान में बनाई है उन लोगों ने, डिम्पल कपाड़िया की आत्मा को उधर दिखाया गया ना, तो ये फिल्म भी शमशान घाट में बनाई है उन्होंने। ये देखिए यहाँ पे राजाओं का शमशान घाट है, पहले जो पुराने राजा महाराजा होते थे उनका शमशान घाट है भाई। और वो गाना कौन सा है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, ये गाना, ये एक सीन देखिए, ये देखिए, ये देखिए वो आले वाला सीन है ना, वो यहीं का है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपको कोई फिल्म की शूटिंग लोकेशन मालूम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।